इस्कॉन मंदिर चल रहे हैं। इस्कॉन मंदिर चल रहे हैं। इस्कॉन मंदिर आपको दिखाते हैं, इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है। बाकी बिहारी वाला रोड तो आप पीछे कट गया, अब हम चल रहे हैं इस्कॉन मंदिर आगे की तरफ। ये रहा इधर रास्ता है इस्कॉन मंदिर का, तो मंदिर पहुंच के आपको दिखाते हैं, पैदल चल रहे हैं। इस्कॉन मंदिर, ये इस्कॉन टेंपल जो है वो 1975 में बनाया गया था, जो कि वृंदावन में है। जब आप मथुरा में आएंगे तो ये वृंदावन में आना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये मंदिर है, तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ या इस्कॉन कहा जाता है। इस मंदिर का पावन भजन हरे रामा कृष्णा है, जिसे विदेश के लोग भी गाते हैं। इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। ठीक है, इस्कॉन का मतलब है कर्म और पुनर्जन्म जैसी मौलिक हिंदू मान्यताओं को स्वीकार करता है। कृष्ण जी की दुनिया भर में बहुत सारी मंदिरें हैं, कई सारी संस्था हैं, जिनमें ये भी एक संस्था है इस्कॉन, जो दुनिया भर में कृष्ण जी की भक्ति और भगवत गीता के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने का काम करती है, जो कि एक संस्था है। 1000 अभी तक खुल चुके हैं इस्कॉन मंदिर, जहां पर जो है इसकी नॉलेज दी जाती है। जैसा आपने देखा कि ये अदर कंट्री के लोग थे जो कि गाना गा रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, जिन्हें हिंदी बोलने भी नहीं आती है वो लोग। तो कोई भी कंट्री के लोग आ करके इस्कॉन मंदिर अपने आसपास अगर हो तो वहाँ पर जा करके कृष्ण जी राधा जी की, मतलब जो भी स्टडी करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा की कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पर जा करके नॉलेज ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी संस्था है। ये रही मैं, क्योंकि वीडियो बनाना और फ़ोटो खींचना मना था, तो फाइनली हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर ये सीन बन रहा है यहाँ ऐसा, और हम जा रहे हैं देख रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। तो हम आ गए यहाँ लास्ट तक, जहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, बस थोड़े से कैंटीन टाइप के और होटल्स टाइप के दिखे, जहाँ पर लोग अपना ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी मैं गई और देखा मैंने। अब चलते हैं हम खाना खाने के लिए। तो हम एक भोजनालय पे आ गए, यहाँ पर खाना खा रहे हैं, जो कि थाली मिली 150 की, आप देख लो। और मैं इसका नाम भी दिखा देती हूँ, आगे लिखा हुआ है श्रीवंशी ढाबा है, पवित्र भोजनालय। यहाँ पर आप आओ, 150 में जो है पर पर्सन का मिलता है खाना। वैसे तो 4 नान, चावल, पनीर, 3 तरह की सब्ज़ियाँ मिल रही हैं, आप देख ही रहे हैं। कैसा रहा? अब हम लोग आगे की तरफ आ गए हैं भोजनालय से 10 कदम आगे। तो मैं दवाइयाँ लूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, इस वजह से मैं पेन किलर ख़रीदने के लिए आई यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं कृष्ण जी के जन्म स्थल पे। सामान यहाँ रखा हुआ है। हम ऑटो से यहाँ पर आए, ऑटो वाले ने हमें यहाँ ला के यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद हम चल रहे हैं प्रेम मंदिर के पास ही हम रुके थे, तो वहाँ से मैं यहाँ पर आई। उसके बाद हम यहाँ से सिटी बस पकड़ेंगे आगे से जा करके, और सिटी बस से जाएंगे हम श्री कृष्ण के जन्म भूमि पर। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं सीन क्या होता है। पर वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, कुछ भी वॉच और बैग कुछ भी अलाउ नहीं है, तो अंदर ले जाने नहीं देंगे। ये देखिए, मैं बस से जा रही हूँ, सिटी बस से। तो हम चलते हैं फिर। ये देखिए, थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट हो गया था, ऐसा सॉन्ग चल रहा था। उसके बाद हम जल्दी से पहुंचने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो कि कंस का महल है, और हम अंदर जाएंगे विदाउट मोबाइल के। तो मैं आपको बता दूं, बैग वॉच हर एक चीज़ आपकी जमा हो जाती है, और चेकिंग होती है यहाँ पर बहुत तगड़ी। तो अगर कोई ऐसे मामले में आना चाहता है तो बिल्कुल ही ना आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी चेकिंग पुलिस करती है, उसके बाद अंदर एंट्री मिलती है। वहाँ पर बहुत ही मतलब हार्ड मैंने देखने को मिला, बहुत ही अच्छा। तो हम चलते हैं अब अपने घर। तो मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, और ये देखो आप मुझे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ तो मेरा फेस देखने लायक तो है नहीं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, आने वाले व्लॉग आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे।
तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।